केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले किसानों को नहीं मिल रहा है दूध का उचित दाम। बलिया में भारत जोड़ो यात्रा पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कांग्रेस पर हमला बोला। अलीगढ़ में एमयू छात्रों ने उत्पीड़न का लगाया आरोप, पुलिस जांच में जुटी। लखनऊ में रबी उत्पादकता गोष्ठी का हुआ कार्यक्रम, कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही रहे मौजूद। दिल्ली में शराब घोटाले में ईडी की 35 जगहों पर हुई छापेमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा एक्शन शुरू हो गया है और आयकर विभाग ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ कई जगहों पर छापा मारा। बता दें, लखनऊ, नोएडा और कानपुर समेत 22 जगहों पर छापेमारी चल रही है। इस रेड में चपेट में आने वालों में यूपी के अधिकारियों में उद्योग विभाग और उद्यमता विकास संस्थान से जुड़े ठेकेदार शामिल हैं, जिसमें ठिकानों पर रेड मारी जा रही है। इनकम टैक्स के रेडार पर भ्रष्ट अधिकारी और आईटी विभाग उन अधिकारियों पर नकेल कस रहा है जो सरकारी योजनाओं में घोटाले कर रहे हैं। खबर फर्रुखाबाद से, जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में प्रशासन पर लगातार लापरवाही का आरोप लग रहा है। बता दें, अस्पताल में आने वाले मरीजों के इलाज में डॉक्टर और कर्मचारियों की दिख रही है लापरवाही। कई बार स्थानीय सांसद और मंत्रियों से शिकायत करने के बाद भी प्रशासन ने अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की है। कुछ दिन पहले ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अस्पताल का दौरा किया और हेल्प एटीएम मशीन का उद्घाटन किया था, तो वहीं अस्पताल की स्थिति अभी भी खस्ताहाल ही बनी हुई है। लखनऊ में राज्य स्तरीय कृषि विभाग का रवि उत्पादक गोष्ठी का कार्यक्रम हुआ। वहीं इस कार्यक्रम में कृषि विभाग मंत्री सूर्य प्रताप शाही मौजूद रहे और इनके साथ ही कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारी, डीएम और सीओडी मौजूद रहे। आपको बता दें कि खाद्यान्न उत्पाद को तेजी से बढ़ाने का काम हो रहा है। वही विभाग प्रकार के कृषि यंत्रों पर सरकार किसानों को छूट देती है। किसान सरकार लगातार किसानों के विकास के लिए काम कर रही है। का प्रबंधन इस समय से वो कैसे अपनी खेती को करें, इसके लिए जागरूक करना है। उसके साथ दलहन और तिलहन के भी उत्पादन में उत्तर प्रदेश के भीतर हम लोग बल दे रहे हैं और पिछले वर्षों में हम लगभग 25 लाख मेट्रिक टन के करीब दलहन का उत्पादन करने में हम सक्षम हुए हैं और 16 से 17 लाख मेट्रिक टन हम तिलहन का भी उत्पादन करने में सफल हुए हैं। तो इसलिए उस कार्यक्रम को भी और आगे की ओर विस्तार दिया जाना और उस दृष्टि से आज एक रणनीति बनाया जाना, लोगों हमारे जो किसान भाई हैं उनको जानकारी पहुँचाना। खबर फरीदाबाद से, जहां दो पक्षों में हुए झगड़े के बाद घायल पक्ष ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के नाम पर पुलिस से हजारों रुपए की ठगी, उसे उल्टा केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। वहीं पीड़ित पक्ष ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर से की, जिस पर कार्रवाई करते हुए कमिश्नर ने मामले की जाँच में एसीपी लेवल के अधिकारी से कराने की जानकारी दी है। तो वहीं पीड़ित के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सीएम और गृह मंत्री अनिल विज से न्याय की गुहार लगाई है। खबर शाहजहांपुर से, जहां कृष्णनगर मंदिर कमेटी के नेतृत्व में प्रेसवार्ता कर बताया गया कि हर साल की तरह इस बार भी प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है जो कि पूरे माह की जाएगी। वहीं इस कार्यक्रम में शालिग्राम संत तुलसी का विवाह और 7 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह समेत कई अन्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही इस मौके पर मंदिर के प्रधान, उप प्रधान समेत कई लोग मौजूद रहे। 9 अक्टूबर से कार्तिक माह शुरू हो रहा है, 9 अक्टूबर से ही हमारे मंदिर में प्रभात फेरी का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा जो कि पूरा 1 महीना चलता रहेगा। 1 महीने के बाद ही गंगा स्नान के दूसरे दिन तुलसी विवाह और 7 कन्याओं की शादी का
मंदिर प्रांगण में होता है और एक शोभा यात्रा निकालते हैं जो कि 2 बजे यहाँ से चल के कचहरी होते हुए गोविंदगंज सदर होते हुए 7:30 तक हमारे मंदिर में आ जाएगी। उसके बाद भजन कीर्तन होने के बाद में भंडारा शुरू हो जाता है। उसके बाद रात को 10 बजे 7 कन्याओं का विवाह और तुलसी विवाह, ये उसका आयोजन होता है जिसमें 3,000 लोगों का हम लोग भंडारा का इंतजाम भी करते हैं। हम लोग कभी खर्चे में चिंता नहीं करते, हमें तो देने वाला दे रहा है, हमें काहे की चिंता, हमें तो मौज लेनी है। अब भगवान मौज देता रहे और हम लोग मौज लेते रहे। और हमारे सभी प्रोग्राम, मैं पुनः एक बार कह दूँ, निःशुल्क होते हैं। वैसे भी ये कार्तिक के अलावा भी अभी कभी कोई घर पे अपने कीर्तन करना चाहे, किसी के यहाँ बर्थडे है, किसी के यहाँ मेरी एनिवर्सरी है, शादी की वर्षगांठ है, या कोई भी और प्रोग्राम है, बेटा हुआ है, या कोई भी खुशी का प्रोग्राम है, अब वो अगर कराना चाहता है तो हमारे यहाँ निःशुल्क प्रोग्राम होते हैं। और आप लोग एक बार सेवा का मौका जरूर दें। राधे राधे। खबर आए बरेली से, जहां शिवाला घाट पर रिवर रैचिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने 1,00,000 मछलियों के बच्चों को गंगा नदी में प्रभावित किया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जानकारी मछली पालन व्यापारियों को दी। बता दें कि गंगा नदी में छोड़ी गई मछलियाँ गंगा की स्वच्छता के साथ ही पर्यावरण को भी स्वच्छ करेंगी। अभी हमारे लिए एक आज बताना है कि पहली बार है 70 साल में कि अंग्रेजों मुगलों ने इन्होंने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके इन्हें उजाड़ा था, जमीनें छीन ली, तालघाट सब इनके रोजी रोटी छीन लिया था। अभी इनको फिर से वापस लाने के लिए, इनका शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि 25 करोड़ आबादी में डॉक्टर संजय एक सड़क के नेता था, अभी सदन में पहुँचा है और कैबिनेट मिनिस्टर अलग किया, दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी मोदी जी को धन्यवाद दूंगा और मैं कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। तो अभी इनके लिए मछुआ कल्याण कोष की एक स्थापना हो गया बस पालक करने, तो उसके माध्यम से हम इनको उस कल्याण कोष से इनके बच्चों को हर एक मंडल में एक कोचिंग सेंटर खोलने का। खबर अलीगढ़ से, जहां मेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी की तरफ से साउथ अफ्रीका को बड़ी मात्रा में निर्यात की जाने वाली बच्चों के कफ सिरप को WHO ने कार्रवाई करते हुए 4 कंपनियों को बैन कर दिया है। बता दें कि कफ सिरप का सेवन करने वाले बच्चों में किडनी डैमेज के केस सामने आ रहे हैं, जिसके चलते 66 बच्चों की मौत भी हो गई है। मैक्स फोर्ड मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के संचालक एवं 41 वर्षीय अनुभवी वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चितरंजन सिंह ने पूरे मामले में कहा कि दवाएं भारत में निर्यात की जा रही थी, जिसके कारण कई बच्चों की जान चली गई। उन्होंने कहा कि दवा बनाने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग होनी चाहिए। मैं इसका मानवीय पहलू समझ सकता हूं कि अगर किसी का भी अगर एक बच्चा जाता है तो ये बहुत बड़ी कीमत होती है, और 66 बच्चों की मौत होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से कोई ना कोई चीज़ एडल्ट्रेटेड है, कोई ना कोई चीज़ इन्फेक्टेड है। जो कफ सिरप में जो मानक हैं उनका पूरी तरह पालन नहीं किया गया है, या कहाँ पे किस स्टेज में ऐसा हुआ है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। रायबरेली में पूरे ठकुराइन गांव में इन दिनों चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि चोरों ने 3 घरों में खौफनाक ढंग से चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है, जहाँ पर 3 घरों से लगभग 10 लाख रुपये की नकदी और जेवरात चोरों ने पार कर दिए, जैसे गांव में हड़कंप का माहौल है। चोरी हुई है सर। कब हुई चोरी? चोरी रात में हुई। लगभग क्या समय था? लगभग साहब रही 2 बजे। आप लोग कहाँ पे थे? हम बरंदम सोते रहे। क्या क्या चोरी हुई है? चोरी साहब समझ गए, 3 लाख के सामान हमारे घर सा। किधर से गए हैं चोर? चोर अभी पता नहीं कि धर के गए साहब, इसी तो जानकारी नहीं हमारे। चोरी हो गई। कैसे चोरी हुई है और कौन लोगों, कितने लोगों के, लगभग क्या जानकारी है? सेन काट के ले गए हमारे घर से। लगभग कितने घरों में चोरी हुई है? 3 घर। कितने का लगभग नुकसान हुआ है? सामान 4-5-3 लाख। घटना की जानकारी कब हुई है? 3:30। पुलिस वगैरह आई है मौके पर? सुबह आई थी। क्या आश्वासन दिया है पुलिस ने? पुलिस वालों ने कुछ कहा? तो क्या चाहती हो आप इस मामले में? चोरी हो गया, हमारे बिटिया का सारा सामान, अपनी शादी करे हुए चला गया, हमारा जितना रहा पूरी जेवर सब पूरा घंटा चली गया है। कितना लगभग क्या चोरी हुई है? कम से कम 4 लाख के सब सामान गया है। कब आपको जानकारी हुई चोरी की? 3 बजे। 3 बजे जानकारी हुई। हाँ। किसी पे शक वगैरह आसपास?
किसी पे शक वगैरह है? नहीं है, कुछ नहीं, हम ना बता पाओगे के काम बताए। कितने घरों में चोरी हुई है? लगभग 3 जने गया है। खबर आए बरेली से है, जहां पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश से ऊंचाहार से होकर गुजरने वाली गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि जिला प्रशासन ने बाढ़ से ग्रामीणों को बचाने के लिए घाटों पर बोट और बड़ी संख्या में प्लाटून कमांडो को भी राहत बचाव कार्य में लगा दिया है। सेकेंड बटालियन पीएसी सीतापुर, हमारा एक प्लाटून आया हुआ है सेकेंड बटालियन से। दिनांक 3-4 को पीएसी मुख्यालय द्वारा आदेश दिया गया, 3-10 को हम लोग यहाँ पर आ गए, 4 को यहाँ पर हमारा व्यवस्थापन दोपहर में हो गया था। तब से हम लोग लगातार यहाँ पर निगरानी में लगे हुए हैं, हमारे जवान सारे लगे हुए हैं और समय समय पर निगरानी चलती रहती है। गहरे में किसी व्यक्ति को जाने नहीं दिया जाता है। खबर सुल्तानपुर से, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसका निर्माण 22,000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था, वहां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता दिख रहा है। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते हलियापुर में एक्सप्रेसवे की सड़क धंस गई है, जिसके कारण बड़ा हादसा हो गया जिसमें कई लोग घायल भी हो गए हैं। यूपीडा की टीम और पुलिस फोर्स की मदद से एक्सप्रेसवे पर राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही पूरे मामले में यूपीडा के अधिकारी सख्ते में हैं और साथ ही इसके उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए गए। बुलंदशहर में दबंग अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के पदाधिकारियों सड़क पर उतरकर आ गए। वहीं भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के ब्लॉक महामंत्री और उनके परिवार को फैसले का दावा बताया गया। साथ ही परिजनों को धमकी भी दी गई है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की थी। वहीं इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के संबंध में कई किसान यूनियन के द्वारा पहले भी शिकायत की जा चुकी थी। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया गया। खबर नोएडा से, जहां एडिशनल डीसीपी ने पुलिस टीम के सहयोग से शातिर बदमाश को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शातिर बदमाश दानिश उर्फ चीता और उसके एक साथ ही मुखबिर की सूचना पर फिल्म सिटी बिजली के करीब पहुंची पुलिस मुठभेड़ में घायल कर दिया और उसका एक साथी मौके पर पाकर फरार हो गया। बता दें कि बदमाशों के खिलाफ अन्य थानों में मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाश चीता के इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती व उसके अन्य साथियों की तलाश में कॉम्बिंग की जा रही है। ये ब्रह्मपुत्रा मार्केट के पास चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, तो ये व्यक्ति वहाँ से भागा। इसका चौकी प्रभारी ब्रह्मपुत्रा अट्टा और सेक्टर 18 द्वारा इसका पीछा किया गया। भागते हुए ये फिल्म सिटी के पास आया और यहाँ पे निर्माणाधीन बिल्डिंग है, बिजली घर है, इसके पास इससे मुठभेड़ हुई। पुलिस पे इसके द्वारा फायर किया गया, जवाबी फायर में घायल हुआ है। रायबरेली में गुरुपकड़गंज थाना क्षेत्र में नयापुरवा में दबंगों ने दिन दहाड़े मारपीट कर कई लोगों को लहूलुहान कर दिया है। आपको बता दें कि दबंगों ने एक दलित परिवार पर जानलेवा हमला किया। दबंगों ने दलित परिवार की लाठी डंडों से बेरहमी से पीट कर घायल कर दिया। वहीं घायलों को इलाज के लिए CSC में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने प्रारंभिक उपचार करने के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। रील बनाने वालों का शुरू नहीं थम रहा है। आपको बता दें कि एलिवेटेड रोड के बाद अब गाजियाबाद के विजयनगर का नया लोहे का रेलवे ओवरब्रिज ड्रिल प्रेमियों का ठिकाना बन चुका है। वहीं एलिवेटेड रोड पर पुलिस ने चौकसी बढ़ाकर कई लोगों को जेल भेज दिया है, जिसके बाद पुलिस वायरल वीडियो की जाँच करने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें NH9 जो थाना विजयनगर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पे एक वीडियो में 2 लोग प्रकाश में आए हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं, जो अपनी गाड़ी के ऊपर में रख कर के आतिशबाजी कर रहे हैं। इनके द्वारा मार्ग अवरुद्ध करके पब्लिक न्यूसेंस की गई है, जिसकी एवज में स्थानीय पुलिस द्वारा इनकी गाड़ी जो किया सेल्टॉस वीडियो में दिखाई पड़ रही है उसको सीज किया गया है। AMU में MTech के हिंदू छात्र ने मानसिक उत्पीड़न का आरोप प्रॉक्टर और समुदाय विशेष के छात्र पर लगाया है। समुदाय विशेष के छात्र ने तमंचे के बल पर हिंदू छात्र से पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगवाने के साथ साथ कलवा
उतरवाने पढ़वाने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित छात्र ने कहा कि मेरी बहन को भी हिजाब पहनाकर धमकी दी है। एक साल पहले भी आरोपी छात्र हिंदू छात्रा को पीतल का हिजाब पहनाने की धमकी दे चुके हैं। विरोध करने पर छात्र के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना सिविल लाइन पर आज प्रॉक्टर ऑफिस एएमयू द्वारा दो तहरीर दी गई, जिसमें एक तहरीर में साहिल निवासी नदीम तरीन हॉल एएमयू द्वारा दो अन्य स्टूडेंट जिनका नाम दानिश और मिसबा है, जो कि सुलेमान हॉल के निवासी हैं, पर आरोप लगाया है कि सुलेमान हॉल पर 3 तारीख को जब गया तो इनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। रहवर नाम का लड़का है, रहवर दानिश नाम है उसका पूरा, आर्किटेक्ट का स्टूडेंट है। वो काफ़ी टाइम से मेरे को धमकी दे रहा कि तेरी बहन को हिजाब पहना दूंगा और यदि तुम्हें सुलेमान हॉल में या कैंपस में रहना है तो तुम्हें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने होंगे। और वो मेरे हाथ में से कलावा हटवा देता था तो मैं हटा भी देता था क्योंकि मेरे को पढ़ाई करनी है। अदर उसके बाद कुछ दिन पहले ही डेट तो इसने मुझे मारपीट की, इसने मेरे साथ और बुरी तरह से जख्मी कर दिया तमंचे के बल पर। खबर मऊ से, जहां भरत मिलाप कार्यक्रम को आपसी सौहार्द के बीच सकुशल मनाया गया। बताते हैं कि ऐतिहासिक रामलीला का आयोजन जहां आरा बेगम के शासनकाल में शुरू करवाया गया था, जिसे आज भी उसी रीति रिवाज से मनाते चले आ रहे हैं। कमेटी संरक्षक ने बताया कि मऊ की गंगा जमुना तहजीब सहयोग और समन्वय की संस्कृति है। बता दें कि भारत मिलाप कार्यक्रम को भारी सुरक्षा बल और सहयोग से पूरा कराया जा चुका है। ये जो भारत मिलाप है, ये तो हम लोगों की वजूद से पहले से इसका वजूद है और मुगलिया हुकूमत के दौर से ये चल रहा है। मुगलिया लोग थे और उस वक्त जो है जब ये भरत लेकर के आते थे तो वो लोग इनका सम्मान करते थे और ये लोग सलामी लेते थे और आपस में मिलाप होता था। उस वक्त से हिंदू मुस्लिम सारे ही लोग इसको इसमें शामिल रहते हैं ताकि सब मिलजुल करके आपसी सद्भावना के साथ ये त्यौहार मनाया जा सके। इसी अंदाज से आगे का तो कोई इतिहास नहीं कि कई हजार वर्ष से चला आ रहा है, लेकिन ये मुगलिया सल्तनत में भी ये चलता था और बेगम जहां आरा जिनकी राजधानी यही हुआ करती थी तो उन्होंने भी इसको संपन्न कराया। तो ये ऐतिहासिक है। क्या होता है इसमें, क्या होता है जब विमान आता है तो कहां टच होता है? नहीं, विमान टच की बात अलग है। ये 14 वर्ष के लिए जो वनवास हो गया था मर्यादा पुरुषोत्तम का, वो आज लौटे हैं अयोध्या में। अयोध्या में आकर के और अपने प्रिय भाई भरत से मिले। निश्चित रूप से आज मऊ का ऐतिहासिक भरत मिलाप साई कटरा के प्रांगण में सकुशल संपन्न हुआ है। अब सभी यहाँ के रहने वाले लोगों को शुभकामनाएं, बधाई। सर, क्या क्या इंतजाम किए थे? पुलिस का सुरक्षा के लिए पुलिस का आपने देखा ही, पीएससी बहुत सारे थाना अध्यक्ष मजिस्ट्रेट सीओ साहब आम थे मिर्जापुर, तो आजमगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक थे, हमारे यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय। बलिया में कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने राहुल गांधी पर जुबानी हमला किया है। कहा है कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा पाकिस्तान के पेशावर, कराची और इस्लामाबाद से शुरू करनी चाहिए थी क्योंकि कांग्रेस की सरकार में ही यह हिस्सा देश में विभाजित हुआ था। इसके बाद से तो कोई विभाजन नहीं हुआ। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का विषय है, उनकी यात्रा प्रारंभ होने के बाद उस में अंतर विरोध टकराव जिस प्रकार से राजस्थान और अन्य राज्यों में है, उन्हें कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। अपने परिवार को जोड़ने के लिए उन्हें काम करना चाहिए। विषय सब जुडिस है, कोर्ट में विचाराधीन है और हमें सभी लोगों को, देश के सभी सम्मानित नागरिकों को न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। सबको संयम रखना चाहिए, पूरे देशवासियों को और प्रदेशवासियों को, और जो हमारी न्याय प्रक्रिया है उस न्याय प्रक्रिया का, न्याय व्यवस्था का सबको इंतजार करना चाहिए, फैसले का धैर्य रखना चाहिए।
अमेठी में गाजियापुर मजरे रामगढ़ गांव में हड़कंप मच गया, जहां गांव के 18 वर्षीय युवक की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटकती मिली। आपको बता दें कि मृतक युवक पिछले 3 अक्टूबर से गायब था, जिसकी तलाश में घर वाले कर रहे थे, लेकिन घर वालों को यह नहीं पता था कि गांव के बाहर बने उसी के पक्के मकान के अंदर युवक की लाश लटकती रही है। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। हमीरपुर के सदर कोतवाली इलाके में राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में साइबर अपराध जागरूकता संगोष्ठी गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान साइबर अपराध से होने वाली अपराध से बचाव और कानूनी सहायता में दिए जाने के लिए जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यक्रम में मौजूद छात्र छात्राओं को साइबर अपराध संबंधी जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया। आज जनपद हमीरपुर में शासन और पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के क्रम में साइबर जागरूकता अभियान और साइबर जागरूकता दिवस मनाया गया। इसके अंतर्गत जनपद के सभी प्रबुद्धजनों को और व्यापार मंडल को और यहाँ के युवा जो छात्र छात्राएं हैं और शिक्षक हैं, उनको साइबर अपराधों के संबंध। खबर प्रतापगढ़ से, जहां भरत मिलाप कार्यक्रम को लेकर एसपी संत पाल ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेकर कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि प्रतापगढ़ में चल रहे ऐतिहासिक रामलीला मंचन में आज भरत मिलाप होगा। इस दौरान कई थानों की फौज को तैनात किया गया था। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।